Hello students, welcome in the chapter of linear equation. चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं linear equation में. हम लोग first part, second part, third part, fourth part, चार part हम लोग वीडियो देख चुके हैं, समझ चुके हैं linear equation में. linear equation को सॉल्व करने का जो मेथड्स था, graphical methods, substitution method, elimination method and cross multiplication method, ये सब हम लोग सीख चुके हैं. आज का टॉपिक हमारा पार्ट फाइव में, लीनियर इक्वेशन का पार्ट फाइव में हमारा टॉपिक होगा कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी. ओके, यही टॉपिक हमारा कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी. ये कंडीशन क्योंकि शायद आपको पिछले पार्ट में बताया गया है कि आखिर कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है तो वो लीनियर इक्वेशन का सॉल्वेबिलिटी कंडीशन क्या है, मतलब ये कि सॉल्यूशन होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कितने होंगे, एक ही सॉल्यूशन होगा या मेनी सॉल्यूशन होगा या नो एनी सॉल्यूशन होगा, ये सब क्राइटेरिया आपको बताया जा चुका है. उसी के आधार पे हम लोग के पास अब कुछ क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से मिलेंगे कि वेरिएबल तुम्हारे पास एक्स और वाई है ही लीनियर इक्वेशन में, ये तो अननोन वेरिएबल्स है ही. इस अननोन वेरिएबल के अलावा इसको छोड़ करके अब हमें वेरिएबल का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, अब हमें एक तीसरा पार्ट, तीसरा एक वेरिएबल दे दिया गया, उसका वैल्यू निकालना है कि अगर कंडीशन ये दिया हुआ है तो. कंडीशन मतलब ये कि कंडीशन ये है कि लीनियर इक्वेशन का, इस लीनियर इक्वेशन के पास बहुत सारे अगर सोल्यूशन हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा. एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मैंने क्वेश्चन लिखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यहाँ पे यही हमारा तीसरा वेरिएबल हो रहा है के, ठीक है, इसी का वैल्यू के बारे में बातचीत होगी. फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दैट इज के एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री. आपके पास इक्वेशन देखिए, ये रहा ये फर्स्ट इक्वेशन के एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री एंड थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू टेन, ये सेकेंड इक्वेशन आपका रहा. तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब इन दोनों के पास, इन दोनों इक्वेशन के लिए आप बतलाइए कि k का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिससे कि इन दोनों इक्वेशन के पास सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन हो, एक एकल सॉल्यूशन हो. तो आपको पहले बताया जा चुका था कि फॉर, लिखेंगे आप फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन इट इज बीइंग गिवन दैट ए वन बाई ए टू मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू बी वन बाई बी टू. यही दिया गया था ना कंडीशन कि जब यूनिक सॉल्यूशन अगर होता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कंडीशन क्या होता है, ए वन अपॉन ए टू मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू. उसी प्रकार से अब आपके जो इक्वेशन है आपके पास, वो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन आपका है के एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू थ्री, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और दूसरा इक्वेशन है थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू टेन, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है. तो अब इसी दोनों इक्वेशन में से आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, ये जो के आप देख रहे हैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो अब वैल्यू फाइंड करना है, कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन हमने लिख लिया कि फॉर यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन मस्ट बी लाइक दैट. तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेयर, हेयर ए वन इक्वल्स टू, ए वन का जगह पर देखिए क्या है के, के मैंने लिख लिया, ए टू इक्वल्स टू, ए टू क्या है थ्री, मैंने थ्री लिख लिया, फिर लिखेंगे बी वन इक्वल्स टू, बी वन क्या है टू, मैंने टू लिख लिया, एंड बी टू इक्वल्स टू कितना है सिक्स, मैंने सिक्स लिख लिया. चूँकि यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन ए वन बाई ए टू मस्ट नॉट बी इक्वल टू बी वन बाई बी टू करना है, तो ए वन कितना है हमारा के अपॉन ए टू थ्री, मस्ट नॉट बी इक्वल टू बी वन टू अपॉन बी टू सिक्स, यही हमारा हो गया. हम यहाँ पर हम लोग को इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकालना है, हमें सिर्फ वैल्यू निकालना है के का वैल्यू निकालना है कि आखिर के का वैल्यू क्या होगा. तो अब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए टू थ्री जा सिक्स कट गया, इट मीन्स के बाई थ्री
इक्वल्स टू 1/3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, देयर आफ्टर के मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1, ओके, के मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1, इसका मतलब कि अगर के का वैल्यू 1 आ जाता है, ठीक है, अगर के का वैल्यू 1 आता है तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे के क्या होना चाहिए, मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 1, अगर के 1 नहीं है तो हमारे पास सिस्टम इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन होंगे। तो इस तरह से हम के का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर यूनिक सॉल्यूशन दिया तो ये हमारा रिजल्ट हो गया। उसी प्रकार से अगर पूछ दिया कि मेनी सॉल्यूशन क्या है, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर मैं इसी इक्वेशन की बात करूँ, यही दोनों इक्वेशन की, हैज मेनी सॉल्यूशन, अगर मेनी सॉल्यूशन पूछ दिया तो मेनी सॉल्यूशन में आपको बताया गया था ना, इस तरह से मेनी सॉल्यूशन बताया गया था, फॉर मेनी सॉल्यूशन आप क्या लिखते थे, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो हमारे पास k का वैल्यू तो हमारे पास यहाँ फर्स्ट में a में ही लिखा हुआ है, तो हम लोग सिर्फ इसी पार्ट का यूज कर लेंगे। जब इस पार्ट का यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या कि अगर यही चीज़ हमारे पास क्या आता, k इक्वल्स टू आ जाता 1, तो अगर k इक्वल्स टू 1 हो जाता, तो अगर k 1 होता तो इसके पास बहुत सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, अनलिमिटेड सोल्यूशन होंगे, एक्स और वाई का वैल्यू अनलिमिटेड आएगा। लेकिन के 1 को छोड़ करके अगर दूसरा कोई नंबर रहता है तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होने, मतलब फिर से ध्यान से लीजिएगा, के 1 को छोड़कर एक्सेप्ट 1 वैल्यू ऑफ के, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। गेट इट, आई बात समझ में। इस तरह से यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन जो होगा हमारा सॉल्वेबिलिटी का, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर मेनी सॉल्यूशन एंड फॉर नो एनी सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, देखिए एग्जांपल मैंने लिया है, सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4x + 6y = 7 एंड 12x + 18y = 21 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे अब देखिए कि हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन फर्स्ट ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा। अब हमको साबित करना है कि इन इक्वेशन के पास इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहले आपके पास इक्वेशन जो है वो इक्वेशन क्या है उसको आप नोट कर लीजिए। इक्वेशन है आपका 4x + 6y = 7, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड इक्वेशन है 12x + 18y = 21, ये इक्वेशन आपका सेकंड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, लिख लीजिए कि हेयर a1 कितना है, देखिए a1 4, a2 12, a1 मैंने लिख लिया 4, a2 मैंने लिख लिया 12। फिर लिखेंगे b1 b2, दोनों आखिर कितना है, b1 कितना है 6 और b2 18, तो b1 मैंने लिखा 6, b2 मैंने लिखा 18 एंड c1 एंड c2 दोनों कितना के बराबर है, देखिए c1 है 7 एंड c2 है 21, 7 एंड 21। हम लिखेंगे कि फॉर मेनी सॉल्यूशन इट मस्ट बी, क्या मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन बताया गया था, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, कंडीशन ये होना चाहिए मेनी सॉल्यूशन के लिए। तो हम लिखेंगे हेयर a1/a2 दिस इक्वल टू, देखिए a1/a2 का वैल्यू कितना आ रहा है, 4 एंड 12 है, तो 4/12 इसका मतलब ये सिंप्लीफाई होता है कितना आ गया, 1/3, ठीक है, ये आपने a1/a2 निकाल लिया। फिर आप निकालेंगे b1/b2, देखिए 6/18 आ रहा है, तो 6/18, देखिए ये भी सिंप्लीफाई होकर कितना आ रहा है, 1/3, ये भी 1/3, देखिए a1/a2 1/3 था, b1/b2 भी 1/3 आ गया। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है c1/c2, इसको भी चेक कर लिया जाए, c1/c2 = कितना है, c1 7 एंड 21, देखिए आ रहा है 7/21, ये भी सिंप्लीफाई होकर कितना आ गया,
वन बाई थ्री। तो देखिए आखिर क्या मिला, ए वन बाई ए टू बी वन बाई थ्री है, बी वन बाई बी टू बी वन बाई थ्री है, सी वन बाई सी टू बी वन बाई थ्री है। तो हम कहेंगे सिंस सिंस ए वन बाई ए टू इक्वल्स है बी वन बाई बी टू इक्वल्स है सी वन बाई सी टू, हैंस इट हैज मेनी सॉल्यूशन। तो साबित हो गया हमारा कि इस प्रकार से क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि साबित कीजिए कि ये दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है इसके पास मेनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन है। तो हमारे इक्वेशन मैंने नोट कर लिया, इक्वेशन ये था, हमने फाइंड आउट कर लिया कि आखिर ए वन का वैल्यू कितना, ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू वैल्यू हमने मेंशन कर लिया। अब हम जानते हैं कि अगर मेनी सॉल्यूशन है तो इट मस्ट भी क्या सेटिस्फाई चाहिए, ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू सी वन बाई सी टू तीनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो हमने ए वन बाई ए टू का वैल्यू निकाला, हमें मिला वन बाई थ्री, बी वन बाई बी टू का वैल्यू निकाला हमें मिला वन बाई थ्री, सी वन बाई सी टू निकाला वो भी मिला वन बाई थ्री। हमने देखा कि वो ए वन बाई ए टू इक्वल्स है बी वन बाई बी टू के इक्वल्स है सी वन बाई सी टू के, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड है, साबित हो गया, समझ में आया बात। चलिए तो इसी प्रकार से हम लोग आगे भी फाइंड कर सकते हैं। मान लिया जाए कि इसी में अगर कोई दे देता क्वेश्चन, मैं इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ कि मान लिया जाए अगर कहता यही चीज़ 12 लिखा हुआ नहीं है, इसके जगह पे अगर K लिख दिया जाता, ठीक है, इसके जगह पे अगर K रहता और कहता कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K, फाइंड द वैल्यू ऑफ K फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो यही क्राइटेरिया हम अपनाते एंड इक्वल्स टू हम इसको ए वन बाई ए टू इक्वल्स कर लेते हैं बी वन बाई बी टू के, ए वन बाई ए टू में क्या हो जाता हमारे पास, देखिए मैं कुछ अलग से दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे नीचे देखिएगा कि यहाँ पे आपको आ जाता क्या ए टू का वैल्यू बन जाता है, ये है ना, यहाँ पे 12 है, ए 12 हमने के बदला है तो 12 हमने के बदला, तो ए वन बाई ए टू की जगह पे क्या आ जाता, ए वन होता 4 और ए टू हो जाता क्या के, और ये मस्ट बी इक्वल होना चाहिए था अगर इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन था, तो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन के बी वन बाई बी टू मतलब 6 बाई 18 के बराबर हो चाहिए था, 6 बाई 18 हम बराबर कर लेते इस प्रकार से। तो दिस इक्वल्स टू अब आपको क्या मिल जाता, के इक्वल्स टू यहाँ से निकाल लेते आप 18 इंटू 4 अपॉन 6, ठीक है, तो 6 3 टाइम कट गया तो यहाँ से आपको मिल जाता के इक्वल्स टू 12। देखिए के 12 आ गया ना, यहाँ पे 12 था यहाँ पे, तो के 12 हमारा आ गया, हम देख रहे हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है मेनी सॉल्यूशन है। इस तरह से के का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, क्वेश्चन किसी प्रकार का पेचीदा क्वेश्चन भी क्यों ना हो, आप इजीली गोइंग इस कंडीशन का इस्तेमाल करके, इन तीनों कंडीशन का इस्तेमाल करके फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में लीनियर इक्वेशन पर चर्चा करेंगे, कुछ बर्ड्स प्रॉब्लम को लेकर हम आएंगे आपके सामने, ठीक है, और बर्ड्स प्रॉब्लम को हम सीखेंगे हम लोग, तब तक बने रहिए और प्रॉब्लम बनाते रहेंगे और मुझे इजाज़त दीजिए, ओके बाय।